ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କରୋନା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ସଚେତନତା ହିଁ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 104 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଥିରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ 14 ଦିନ ଅଲଗା ରହନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଗଣାରେ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ସେ एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, कई युवा संगठन हैं, सिविल सोसाइटी हैं, खेलकूद के संगठन हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कोई। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन 10 नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के संबंध में नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं।